के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अगली बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आपको बता दें कि डिप्टी ज्वेलर के जो है कमरे में हो रही थी अब्बास निखत की मुलाकात, और पुलिस ने लंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिना रजिस्टर में एंट्री किए जो है अब्बास से उनकी पत्नी निखत की मुलाकात हो रही थी, और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि पत्नी के मोबाइल से अब्बास ने कई लोगों को फोन भी किया है, ऐसे कई गंभीर बातें निकलकर सामने आई है। बिना रजिस्टर में एंट्री किए सबसे पहले उनकी पत्नी उनसे मिलती है, और इतना ही नहीं फोन कॉल पे भी वहां पर बातें होती है, तो पुलिस ने उनकी पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पत्नी के साथ साथ अधिकारियों को भी मुलाकात के दौरान कॉल किया गया, कई बड़े बड़े अधिकारियों को उनकी पत्नी से के मोबाइल से कॉल किया गया, और जेल अधीक्षक और कर्मचारियों ने अब जो है पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। जो संवेदनशील बैरिक्स है उन सभी की चेकिंग की गई थी, तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे, और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है, और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। हम जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग। आपको बता दें कि अब्बास, विधायक अब्बास की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना रजिस्टर में एंट्री किए इनकी मुलाकात होती थी, और केवल इतना ही नहीं कई अननोन नंबर से कॉल भी अब्बास अंसारी ने किए हैं, साथ ही कई बड़े बड़े अधिकारियों को भी इनके मोबाइल से फोन गए हैं, तो ऐसे गंभीर आरोप इन पर लगे हैं, तो गिरफ्तारी इनकी हो गई है। पुलिस जो है जांच में जुट गई है। अब देखना खास ही होगा कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है।